शिखर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। प्रकार का उत्साह हर एक वर्ग का यहाँ पर दिखाई दिया, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, उस परिणाम का एक स्पष्ट प्रमाण है कि परिणाम किस दिशा में आने वाले हैं। 400 पार का जो नारा है वो नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। अनेक अनेक स्थानों पर कुछ भ्रामक चीजें भी आ रही हैं, लेकिन मैं अनेक अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में भी गया हूं और देश के अन्य स्थानों में भी गया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान था, मतदान का प्रतिशत कम जरूर हुआ, तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने सबने पूछा कि भाई इस बार पहले के मुकाबले कुछ मतदान कम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मतदान, चूंकि जो भी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या उसके लिए मत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग मतदान करने आए। सामने बहुत ज्यादा संघर्ष न होने के कारण से दूसरी पार्टियों के लोगों ने मतदान में कम भाग लिया और जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे वो कम मतदान वहां पर एक कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। देश में भी जिस प्रकार से आज लोगों में उत्साह है, ऐसा लगता है कि जैसे हर एक व्यक्ति इस बार मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा हो कि मुझे मतदान करने जाना है, बहुत साइलेंट तरीके से और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये मैं लखनऊ में भी देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूँ, देश के अन्य स्थानों पर भी देख रहा हूँ। चूंकि लखनऊ में मैं 16 साल का था तब मैं पहली बार लखनऊ आया और उस समय का जो लखनऊ था, उसके बाद अटल जी का जो सांसद का कालखंड था, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तेजी से विकास की ओर लखनऊ आगे बढ़ा और वो विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहा माननीय राजनाथ सिंह जी के कालखंड में। जिस प्रकार से यहाँ पर लखनऊ में हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, तमाम प्रकार से नए नए सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे यहाँ से सुल्तानपुर को जाने वाली सड़कें हों या सीतापुर, शाहजहाँपुर या बरेली की ओर जाने वाले सड़क मार्ग हों, जिस प्रकार से यहाँ चारों तरफ मेट्रो चली है, अन्य जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मैं सच बताऊं तो भूपेन जी आप तो क्योंकि पहले भी आए होंगे कई बार, लेकिन मैं जब बचपन में जिस प्रकार का लखनऊ देखा और 2000 तक का जो लखनऊ था, उसके बाद से अब जो मैं लखनऊ देख रहा हूँ, बिल्कुल बदला हुआ लखनऊ है। और एक तरह से कहिए कि अगर उस समय का व्यक्ति एकदम से 2024 में आएगा, 24 साल बाद, तो उसको ये लखनऊ भी भूल भुलैया जैसा लगेगा। जैसे यहां से गोमती नगर जाना एक बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी और आज आसानी से हम कुछ ही मिनटों में यहां से गोमती नगर पहुंच जाते हैं। यहां से अलीगंज, यहां से त्रिवेणी नगर, निलाला नगर आसानी से पहुंच जाते हैं, इतने सारे काम यहां पर हो गए। तो लखनऊ के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। इसी प्रदेश के अंदर जहां हम सब के आराध्य देव भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहीं भव्य काशी और दिव्य काशी, काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे अनेक काम यहां पर हुए हैं। तेजी से इन्वेस्टर एक हब उत्तर प्रदेश बना है, इन्वेस्टमेंट का एक बूम यहाँ पर आया है। इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से पहले उत्तर प्रदेश की जो गिनती होती थी वो एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी और आज बीमारू राज्य से उत्तम राज्य की श्रेणी में, अच्छे राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आ गया। यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में हम सब लोग जानते हैं भली भांति कि एक कालखंड वो था कि जब यहाँ पर गुंडे, बदमाश, अपराधियों का आतंक हुआ करता था, सपा और बसपा की सरकारों में वसूली गैंग सक्रिय हुआ करते थे। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि
कि आज उत्तर प्रदेश का हर जगह पर उदाहरण दिया जाता है, इस प्रकार से राज्य आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़ा है और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में 10 सालों में गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनी है, हर उस व्यक्ति के उत्थान का कार्य हुआ है जिसको योजनाओं की आवश्यकता है। 2014 से पहले भी देश में अनेक योजनाएं आई, लेकिन वो योजनाएं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के कालखंड में जो योजनाएं बनती हैं, वो लोगों के जीवन स्तर को उनको सहायता करने के लिए बनाई जाती हैं। जिनको योजनाओं की आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत होती है, उनके जीवन में मदद मिले, वो सब काम हो रहा है। तो आज हर वर्ग के उत्थान का काम हो रहा है। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं देश के अंदर। 3 तलाक से मुक्ति हुई है मुस्लिम बहनों की। धारा 370 समाप्त हुआ है। भगवान राम का मंदिर बनाया है। CAA का कानून लागू हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है आप सबके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें पूरे देश के अंदर UCC समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और उसको लागू करने का संकल्प लिया गया है और उत्तराखंड देवभूमि को देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जहां UCC एक विधेयक के रूप में पारित होकर विधेयक बन चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें स्वीकृति मिल गई है। तो एक तरफ आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश को परिवार मानकर काम किया जा रहा है, देश में समान नागरिक संहिता को लाने का संकल्प लिया जा रहा है, देश के अंदर एक चुनाव की बात हो रही है पूरे समय, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल अपने परिवारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परिवारवादी दल हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त दल हैं, भ्रष्टाचार को जनने वाले दल हैं, तुष्टीकरण करने वाले दल हैं, और आज भी वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और समय समय पर जनता को सामने उनके सारे हथकंडे जब फेल हो गए हैं तो तमाम प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे तो देश का संविधान बदल जाएगा, देश से आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी और NDA की पूरी मेजोरिटी है। जब देश में गरीब कल्याण के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए, जनजाति के लिए जो काम इस कालखंड में हुए हैं, देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए हैं। इसका उदाहरण है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ और आदिवासी बहुल इलाके में पैदा हुई आज पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही नेतृत्व है कि जिसमें हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। तो इसलिए दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं और आप सब यही पूछेंगे कि भाई किस प्रकार का माहौल है उत्तर प्रदेश में, कैसा है और देश में कैसा है। तो मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ देवभूमि से कि पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है, पूरा देश आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके लिए तैयार है। देखिए, अवैध जो अतिक्रमण है उसके लिए तो हमने सेपरेट काम किया है, उसके लिए हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू किया था और आप सबको बताऊं कि वो अतिक्रमण हटाने का हमारा अभियान चला जिसमें हमने वो लैंड जिहाद था और लैंड जिहाद के तहत बहुत बड़ा अवैध अतिक्रमण था, अवैध कब्जे थे, उसमें 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने मुक्त कराई है। लेकिन UCC हमारी पार्टी का जनसंघ के जमाने से ये देश के सामने एक संकल्प था कि और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब
संविधान बना रहे थे तो उस समय भी इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन उस समय ये प्रावधान नहीं हुआ कि यूसीसी लागू हो कुछ बहस होने के कारण से। लेकिन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 44 में